स्टाफ पर नजर रखने के लिए कंपनी के बॉस ने टॉयलेट में भी कैमरा लगवा दिया। बॉस को शक था कि टॉयलेट में स्टाफ स्मोकिंग करते हैं और फोन पर बातें करते हैं। टॉयलेट की कुछ फोटोज ऑनलाइन लीक हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर बॉस की आलोचना हो रही है। हालांकि फोटोज सामने आने के बावजूद कंपनी ने सभी आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि कंपनी ने बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए हैं। मामला दक्षिणी चीन के एक शहर का है। यहाँ की एक टेक कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हैं। रेड स्टार न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टॉयलेट में ब्रेक टाइम बिता रहे कर्मचारियों की 3 फोटोज लीक हुए थे और वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। तीनों फोटोज में 3 अलग अलग पोज टॉयलेट में स्मोकिंग और फोन यूज करते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कंपनी ने इन 3 फोटोज का इस्तेमाल दूसरे स्टाफ को चेतावनी देने के लिए किया था ताकि दूसरे लोग कंपनी की पॉलिसी को ना तोड़ें। लेकिन इन फोटोज की वजह से सोशल मीडिया पर कंपनी की किरकिरी होने लगी। लोग स्टाफ की प्राइवेसी का सवाल उठाकर कंपनी पर निशाना साधते दिखे। एक यूजर ने लिखा कि कंपनी को इस हरकत के लिए सजा मिलनी चाहिए। दूसरे ने लिखा कि वो लोग इंसानों को भी जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। तीसरे ने कंपनी की इस हरकत को डरावना सपना जैसा बता दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैमरे में कैद 2 लोगों को कंपनी ने जॉब से निकाल दिया जबकि बाकी लोगों का बोनस काट लिया है और उन लोगों को कंपनी की तरफ से आखिरी चेतावनी दी गई है। इस फैसले पर कंपनी ने कहा कि कर्मचारियों ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया था, इसलिए वह एक सख्त कार्रवाई के हकदार थे। मीडिया से बात करते हुए एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि निश्चित तौर पर कैमरे में कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स जरूर कैद हो जाएंगे, लेकिन सच कहूं तो इस पॉलिसी के फायदे और घाटे दोनों। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।